नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा झा स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से एक महत्वपूर्ण घटना। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जब ये घटना घटी तब चंद्रशेखर की उम्र 16 वर्ष की थी और तब चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर तिवारी के नाम से जाना जाता था। तो आइए जानते हैं उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में। एक बार चंद्रशेखर अपनी कक्षा में बैठे थे तो उन्होंने बाहर से कुछ नारों की आवाज़ सुनी। अपने शिक्षक से अनुमति ली और ये देखने के लिए वे बाहर निकल गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने बाहर एक समूह देखा जिसमें कुछ लोग थे और उनका एक प्रमुख नेता भी था और ये लोग बार बार वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि ये एक असहयोग आंदोलन है। अचानक ही स्थिति में बदलाव आया। उन्होंने देखा कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी ने समूह पर हमला कर दिया है और नेता को मार डाला। ये युवा देशभक्त जो सब कुछ देख रहे थे अपने गुस्से पर काबू ना कर पाए और नीचे से एक पत्थर उठाकर ब्रिटिश अधिकारी पर दे मारा। पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन चंद्रशेखर बच निकले। अगली सुबह पुलिस ने स्कूल में जाकर चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया। जज ने उनसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने बड़े ही गर्व और तीखे स्वर में कहा, मेरा नाम आज़ाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता। जज चौंक गया कि किस तरह एक 16 वर्ष का लड़का इतने तीखे स्वर में बोल रहा है और उसने फिर पूछा, तुम्हारा पता क्या है? चंद्रशेखर ने इसका जवाब मुस्कुरा कर दिया। जेल मेरी पसंदीदा जगह है और वही मेरा घर भी है। अब जज ने बिना किसी सवाल के उन्हें सीधा 15 बेंतों की और 15 दिन के सख्त कारावास की सजा दे दी। ये बेंत कोई आम बेंत नहीं, ये बेंत चमड़े की बनी होती थी जिसे पानी में डुबोकर रखा जाता था, जिसकी चोट इतनी तेज होती थी कि त्वचा फट जाती थी। चंद्रशेखर को वहां ले जाया गया जहां उन्हें उस चमड़े की बेंत से पीटा जाना था। वहां उनके सभी कपड़े उतार दिए गए, फिर एक एक करके 15 बेंत बरसाए गए। बेंत की चोट इतनी ज़्यादा थी कि उनकी त्वचा से मांस भी बाहर निकल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आँख में एक भी आंसू नहीं था, बल्कि हर चोट के साथ वो वंदे मातरम कहते और हर बार वंदे मातरम की आवाज़ तेज़ होती चली जाती। दोस्तों, ये थी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से एक ऐसी घटना जो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें।